हो रही है। सामने देखिएगा एक बार। आज हम लोगों ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल उद्यान में जो बाल सिंह चौराहे प्रयागराज पे है उस पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी के जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम लोग ने करीब 49 पेड़ लगाए हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो इससे हम लोग का दो तरीके से संदेश जा रहा है। एक तो हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी जो है वो प्लांटेशन के माध्यम से मना रहे हैं, दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोगों को जनता को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पेड़ लगाइए। और बाकी पेड़ लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ होगा ही, लेकिन हमारे जो सामने जो ये कोरोना की महाविषिका हो रही है और दूसरी भी आने वाली जो बीमारियाँ हैं पर्यावरण के जो संतुलन बिगड़ने की वजह से हो सकती हैं, वो सबसे भी हम लोग दूर रह सकते हैं। साथ में आज हम लोग एक कार्यक्रम और भी कर रहे हैं, हम लोग जो है वो चीन के जो सामान है उसका बहिष्कार का सांकेतिक बहिष्कार का भी एक तरीके से हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, जिसमें हम लोग ये यहाँ की जनता को ये प्रमोट कर रहे हैं कि चीन की जो चाइना के जो भी सामान आते हैं उसको अब हम लोग धीरे धीरे करके कम से कम उपयोग में लाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे जो जनजीवन में जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका हम अपने जो देशी उत्पाद है उससे रिप्लेस कर सकें और हम सब लोग आत्मनिर्भर बन सकें, जो कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी की ये मुहिम है कि हम सब लोग स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही साथ आप एक डॉक्टर भी हैं, तो कोरोना का समय भी चल रहा है, ऐसे समय में किस तरीके से लोग अपने घरों में रह के सुरक्षा कर सकते हैं, इसके विषय में भी कुछ बताना चाहिए। देखिए, डॉक्टर होने के नाते फिलहाल अभी आज की डेट में जो देख रहे हैं, जब से अनलॉक चालू हुआ है लोगों ने थोड़े से इसको जो है वो कोरोना को बहुत हल्के में लेना चालू कर दिया है और अनावश्यक रूप से भी बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हमारा आप लोग से यही कहना है कि लॉकडाउन ज़रूर ख़त्म हुआ है पर कोरोना की जो है वो महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई और उसकी बीमारी के जो फैलने के तरीके हैं वो भी अभी ख़त्म नहीं हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, आवश्यक पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिए और सुरक्षा के सारे मापदंडों का कायदे से पालन करिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क पहनते हुए ही आपको बाहर निकलना है और अनावश्यक रूप से बाहर भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना है। धन्यवाद। एक तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वास्तव में पूरे दुनिया में आज पर्यावरण में प्रदूषण बहुत हो रहा है, तो वृक्षारोपण यही प्रदूषण को दूर कर सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधान बनने की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज एक शुभ दिन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, इससे भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम लोग पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रहे, उसके लिए हम लोग किस तरह से संकल्पित हैं। क्या चाइना का विरोध भी कर रहे हैं? जी चाइना का विरोध भी कर रहे हैं पोस्टर लगा के? नहीं, देखिए चाइना का तो रोल पूरा दुनिया आज चाइना के खिलाफ है, तो जिस तरह से कोरोना को छिपा के रखा आज दुनिया के अंदर लाखों लोग मारे जा चुके हैं, आज भारत में भी जो कोरोना का महामारी हुई है उसका भी अगर कोई दोषी है वो सीधे तौर से चाइना है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि वास्तव में देखा जाए हम लोगों चाहे पूरे दुनिया को और भारत के हम सब लोगों को चाइनीज़ की चीज़ों को बहिष्कार करना चाहिए और चाइना को आइसोलेट करना चाहिए, तभी ये वास्तव में देखा जाए शायद उसके कुछ अकल में आ सकता है। चाइना ने बहुत ही पूरे दुनिया के साथ बहुत ही गलत काम किया है, एक तरह से इतना घातक काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे थे, आदित्यवा जन्मदिन, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग आज 49 पौधे यहाँ पे लगाए हैं और आज हम लोग चाइना के सामान का विरोध भी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति चाइना का सामान ना खरीदे जो और इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति होगी, आज हम लोग अपने देश की आर्थिक स्थिति खुद जिम्मेदार हों कैसे हमारा देश संवरे जी, इसकी आज के दिन हम लोग सौगंध ली है। कोरोना के लिए बचाव के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे अपने? कोरोना बचाव के लिए हर व्यक्ति से ही निवेदन है कि भाई अपना दूरी बनाए, जो भी सरकार के द्वारा नियम लागू हैं जो जानते हैं उससे ज़्यादा आप पालन कीजिए, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी अभी रुकने वाली है और फैलने वाली है।